डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का आगे हम लोग फॉर्मूला देख भाई लक्ष्य पिछली क्लास में जो आपको नहीं आया था जो बिल्कुल नहीं आया था वो आज कैसे आएगा पता नहीं सर मतलब बाकी तो आगे से sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव हां ये फार्मूला आपको आना चाहिए f(x) क्या फार्मूला था f ऑफ x plus h माइनस में f ऑफ x अपॉन में h और लिमिट आपके पास जाएगा h इज टेंडिंग टू 0 भुवन ओ भुवन चल ये फॉर्मूला आपका हर जगह ये मालूम है फॉर्मूला हर जगह लगेगा आज मैं ले रहा हूं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अब चल अब शुरू कर रूट साइन एक्स अब रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल देखना मेरे कैमरे में आ रहा है क्या यार लिखो चल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स मगर कौन से वाले मेथड से बाय यूजिंग कौन सा प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके और फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके डेरिवेटिव निकालना है वैसे रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन 2 रूट साइन एक्स और इनटू में कॉस एक्स ये हमारा आंसर है तो आंसर तो पहले से पता है हमें सारे यहाँ ठीक है ना चलो कल मैं लूंगा 3D आप लोग चिंता मत इनका 3D बाकी मैं कल लूंगा ये आंसर पता है कि रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 upon 2 root sin x और into chain rule से कितना cos x इसको chain rule बोलते हैं याद होगा root कुछ भी का 1 upon 2 root कुछ भी तो root sin x का 1 upon 2 root sin x और chain rule से sin का derivative cos x आंसर हमें ये लाना है चलो ठीक है derivative अब यहाँ पर value मैं डाल देता हूँ limit h is tending to 0 अब ये हो जाएगा under the root of sin x plus h minus under the root of sin x और डिवाइडेड बाय कितना निकल गया h आ गया अब यहाँ पर सी एंड डी का फॉर्मूला तो नहीं लगा पाओगे सी एंड हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ चिंता ना कर आप कब से आना शुरू करोगे भुवन सर मेरे को भी थोड़ा टाइम लगेगा चल लगेगा हाँ इसमें टाइम लग ही जाता है चल अरे ठीक है वो इसमें सी एंड डी का फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें सी एंड डी का फॉर्मूला नहीं लगे क्योंकि इसके ऊपर क्या चल रहा है टोपी है अभी टोपी इसकी उतारनी पड़ेगी जब भी तो लगेगा सी एंड डी का फॉर्मूला और ये रूट का दो इलाज बताया था बचपन में क्या बताया था SBS और दूसरा रैशनलाइज यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड तो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होना चाहिए तो क्या करेंगे रैशनलाइज तो रैशनलाइज कर दो भाई अंडर द रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर द रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर द रूट ऑफ साइन एक्स अब जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो ये जो टोपी है ये क्या होती है उड़ जाती है मतलब रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है तो रूट कैंसिल हो जाता है और ये लिमिट सब लोग लिखना नहीं तो पाप लगेगा भगवान सब देख रहा है ये लिमिट कब तक लिखना है जब तक आप लिमिट पुट ना कर दो तब तक लिखना है इनटू में इसको यदि मैं मानता हूँ फॉर्मूला यदि ए प्लस बी और ए माइनस बी यदि मैं मान ही लेता हूँ कि ए प्लस बी ए माइनस बी है तो समझाने के लिए दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज ए प्लस बी तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अल्टीमेटली जब इसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी टोपी उड़ जाएगी रूट इसका कैंसिल हो जाएगा तो रूट विल बी कैंसिल आउट तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में अंडर रूट ऑफ साइन एक्स और डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस में अंडर द रूट ऑफ ये नीचे वाला आपका जो है ना नीचे वाला ये तो रहेगा और इसके साथ में कौन रहेगी टेंशन पनौती क्या नाम इसका रखा था जो भी हाँ बैग रख दे कुछ माल वाले ऊपर आराम से सर ये वो टेंशन ही है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में रूट आ गया नहीं अरे डिनोमिनेटर रूट आ गया तो उसकी दिक्कत नहीं है पूछ क्यों अब देखो आंसर में क्या लाना है मेरे को टू रूट एक्स अच्छा आप क्या टेंथ वाले लेवल से समझ रहे हो कि डिनोमिनेटर रूट नहीं आना चाहिए मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास में टू रूट साइन एक्स है तो करना है। नहीं ये आंसर है भाई यही होता है इसका डेरिवेटिव रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना ये होगा आपके पास में अब ये टू रूट साइन एक्स मुझे लाना है तो देखो आप जब यहाँ पुट करोगे एक्सटेंडिंग टू जीरो तो ये कितना बन गया रूट साइन एक्स और प्लस रूट साइन एक्स तो जुड़ के कितना आ गया टू रूट साइन एक्स मतलब हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं हमारा जो डिनोमिनेटर कितना था टू रूट साइन एक्स इसमें लिमिट डालने पर तो आ जाएगा टेंशन तो ये वाली है हम जब तक ये नहीं निपटाएंगे जब तक लिमिट नहीं डालेंगे चलिए अब लगा सकते देखो तुम लोग फिर वो मत करो अभी मैंने बोला सी एन डी का रूट था तो नहीं लगा सकते अब तो सी एन डी लगा सकते हैं ना
साइन सी माइनस साइन डी, ये दूसरा वाला फॉर्मूला है। प्रत्युष बोल साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है? प्रत्युष चलो पहले कॉस आएगा बाद में साइन आएगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो इनटू में साइन सी माइनस का साइन डी, तो कितना निकला इसमें? दिस इज टू, पहले आपका आएगा कॉस, दिस इज एक्स प्लस एच माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय टू और इनटू में साइन एक्स प्लस एच, क्या सी प्लस डी अपॉन टू ना, पहले प्लस होगा और बाद में माइनस होगा, डिवाइडेड बाय टू होगा एंड होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस अंडर द रूट ऑफ दिस विल बी साइन ऑफ एक्स, और ये टेंशन तो अपनी चली रही है। अच्छा अब यहाँ पे देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये कितना साइन एच अपॉन टू बचा, इधर देख लक्ष्य साइन एच अपॉन टू, एच अपॉन टू यहाँ पर टू है क्या डिवाइड में, टू से यहाँ मल्टीप्लाई और टू से यहाँ डिवाइड, सॉरी मतलब यहाँ डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई उल्टा। अच्छा ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला कितना बन गया, वन। अच्छा क्यों, फॉर्मूला क्या बताया था, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला फिर से मैं बता दू साइन ऑफ एक्स, मगर कब, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो हो तो उसका आंसर वन बन जाता है, ये लिमिट में पढ़ाऊंगा। चले साहब अब ये कितना बना मेरे पास एफ डैश एक्स, अच्छा ये टू से टू निपटा लो, ठीक है टू से टू निपटा लिया, लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगा, अभी मैं अलग अलग कर दूं फिर लिमिट लगा, पहले अलग अलग करके दिखा दूं। दिस इज कॉस एक्स प्लस एच, ये टू हो गया डिवाइडेड बाय टू और इनटू अपॉन में अंडर द रूट ऑफ दिस विल बी साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर द रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स और इनटू में लिमिट इसकी अलग कर देता हूँ जो वन हो जाएगा मेरे पास, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट कितना होगा साइन ऑफ एच अपॉन टू और होल अपॉन में कितना निकल गया एच अपॉन टू, तो ये जो पूरा पार्ट है ये कितना हो गया वन हो गया। अब लिमिट लगा देंगे, ठीक है भाई अलग अलग करके दिखा दिया, अब इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट लगा देखो आ गया क्या आंसर, लिमिट लगाओ आंसर आ गया क्या, आ गया तो आ गया आंसर, तो एफ डैश एक्स में आप यहां पर लिमिट लगाएंगे आपका कौन सा पार्ट जीरो होगा, एक तो ये वाला जीरो हो जाएगा और एक ये वाला जीरो हो जाएगा, तो लिमिट आपका ये कितना बचा 2x अपॉन 2, तो 2x अपॉन 2 तो कितना कट के 2 कट गया ना, कितना बचा मेरे पास ये आया इज इक्वल टू में ऊपर आया cos x और नीचे कितना निकला रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, तो कितना निकल गया 2 रूट साइन एक्स, सर h का h बाय 2 अब फिर से 1 हो गया, फिर से हाँ भाई तो होना बन, तो हो ही नहीं वो पहले बात नहीं की। चल अगला क्वेश्चन, अच्छा रूट साइन एक्स का जैसा किया तो रूट साइन कॉस एक्स का बिल्कुल सेम होगा, तो मैं रूट टैन वाला ले रहा हूँ, मैं मतलब साइन कॉस का सेम रहता है टैन कॉट का सेम रहता है, तो छे के छे नहीं कराऊंगा हर टाइप में तीन तीन कराऊंगा, उसमें माइनस आ जाता है यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस सी लगेगा फॉर्मूला, है ना आंसर वही आया। चलो अगला लिखो, अगला कौन सा वैरायटी हो सकता है मतलब हाँ हो सकता है, यहाँ पर नहीं होगा जब लिमिट पड़ेगा तब होगा, यहाँ पर नहीं होगा लिमिट पड़ेंगे तब होगा। अगला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट टैन एक्स कर लेते हैं, राघव आपका लेट हो गया, चल ये हो गया रूट टैन एक्स, अभी पहला क्वेश्चन तो हो गया अब दूसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये दूसरी वैरायटी है वही चल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, रिकॉर्डिंग है उसमें देख लेना ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, पहला क्वेश्चन आप रिकॉर्डिंग से देख लेना आज। अब किसका निकालना मेरे को रूट टैन एक्स का, वैसे रूट टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सानिया, रूट टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सानिया, सानिया बताओ सब चेन वाले को अच्छा चला दो गोली है, हाँ हवा भी आई है रूट हो गया, नेटवर्क चला गया क्या, आया नेटवर्क फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट tan x, तो रूट tan x का डेरिवेटिव हमें पहले से पता है कि रूट tan x का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा 1 upon 2 root tan x और tan का डेरिवेटिव secant squared, ये आपका निकला ये जो भी आपका निकला, चलो नया लेवल लेवल दा वाला, चलो
एफ डैश एक्स में डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप तो आता है ना, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अंडर द रूट ऑफ टैन एक्स प्लस एच माइनस अंडर द रूट ऑफ टैन एक्स और डिवाइडेड बाय कितना निकल गया, एच आया। अच्छा अब क्या करें इसको, चेंज रैशनलाइज पहले कर लेते हैं, रैशनलाइज पहले कर लेते हैं, बाद में के चेंज करेंगे साइन कॉस को, रैशनलाइज पहले कर लो। तो रैशनलाइज कर लिया, रूट वाले में हमेशा ही वैरायटी, जितने भी रूट वाले आएंगे उसमें आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ टैन एक्स प्लस एच माइनस अंडर द रूट ऑफ टैन एक्स, सही है, सॉरी प्लस हो गई, ये प्लस होगा। एफ डैश एक्स, एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, ऊपर लगा दू फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो अब मैं डायरेक्ट लगा दू फॉर्मूला, क्या बन जाएगा भविष्य बोल, a माइनस बी ए प्लस बी कितना बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना बनेगा tan x plus h minus tan माइनस tan ऑफ x, और नीचे कितना आएगा डिनोमिनेटर में सर, रूट tan x plus h plus रूट tan x into h प्लस रूट tan x और होल इनटू में आपका क्या चल रहा है h। अब क्या करोगे आप, इसको चेंज करोगे साइन और कॉस में, तो साइन कॉस में चेंज करो, थोड़ा मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, और थोड़ी सी साइन कॉस में चेंज करने का स्टेप देखो, जब भी आप साइन अपॉन कॉस और इधर का भी साइन अपॉन कॉस, उसके बाद में आप एलसीएम पक्का लोगे, और एलसीएम वाला जो स्टेप है वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एलसीएम वाली स्टेप हमें डायरेक्ट करनी है, वो हमें दिखानी नहीं है, तो कैसे भाई कर लोगे सब लोग डायरेक्ट का देखना जरा। देखो ये साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच, तो इसका जो नीचे वाला कॉस एक्स प्लस एच है वो उस पर चलेगा, और उसका जो कॉस एक्स है वो इस पर चलेगा, तो मैं डायरेक्ट लगा दू भावेश, हाँ ठीक है, चल आगे मैं डायरेक्ट लगा लेता हूँ, तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, अब हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, तो इधर आएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू में कॉस, सर ये समझ गया साइन एक्स प्लस एच और कॉस एक्स प्लस एच, मैंने वही तो समझा है, हाँ धंधा क्यों खराब कर रहा हूँ, चलो मेरा काम करते हैं, साइन अपॉन कॉस, देख तू उस समय देख नहीं रहा था यहाँ पे ना, वही चेक कर, तो बेटा ये तो थोड़ी होता है, जब समझा रहा था उस समय देख नहीं रहा था, फिर से देख, अब देख लो जिसको समझ में नहीं आया हो, फिर भविष्य देखो आगे समझ लो, ये है साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच, ये है साइन एक्स अपॉन कॉस, तो साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच वो जाके उधर चलेगा, और इसका जो डिनोमिनेटर कॉस वो जाके इधर चलेगा, वही तो किया मैंने, साइन एक्स प्लस एच ये कॉस एक्स कहाँ से आया, जो इसके नीचे वाला था, और माइनस इसका कितना ऊपर वाला रहेगा मेरे पास में साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच, और हाँ देख आवाज समझ में नहीं आया, तो ये तरीका थोड़ी होता है कि मैं यहाँ समझा रहा हूँ आप अपना काम कर रहे हो, यहाँ समझो साथ में चलो साथ में चलो। अच्छा मगर एक गलती यहाँ पे ये होती पता है, एलसीएम डायरेक्ट लेने में गलती ये होती है कि जो नीचे एलसीएम आया लोग उसको छोड़ ही देते हैं, तो ये मत करना, नीचे एलसीएम भी आएगा, कितना आएगा नीचे एलसीएम, कॉस एक्स प्लस एच और इंटू में कॉस एक्स, ये एलसीएम तो नीचे आएगा वो लिखना हाँ। है और बचा कुचा जो बचा वो मैं लिख लेता हूँ, बचा कुचा क्या बचा मेरे पास भाई, ये बचा रूट टैन एक्स प्लस एच, इसको भी कन्वर्ट नहीं करना, इसको नहीं करना बेटा, ये तेरा नीचे का आएगा टू रूट टैन एक्स, इसको मत कन्वर्ट करना, हाँ अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन तो क्या, ये नीचे का आपका कन्वर्ट नहीं करना, नीचे का आपका एज इट इज ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ जाएगा, रूट टैन एक्स प्लस एच प्लस रूट टैन एक्स, और टेंशन कहाँ गई, टेंशन तो चली नहीं अभी तक, वो क्या चल रही है, एच, हाँ जी चलो अब यहाँ पर क्या होगा प्रखर बताइए, आगे हाँ ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का उल्टा फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये निकला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो कितना बन गया ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, है ना माइनस बी का, भाई प्रभु तेरे को याद है फॉर्मूले याद है ना, चल आगे मैं बता रहा हूँ ये इलेवेंथ और पूरा ट्वेल्थ बिना ट्रिगो के नहीं चलना, बिना ट्रिगो के चलना ही नहीं, चल ये हो गया एक्स प्लस एच और माइनस का एक्स और अपॉन में ये जो टेंशन है ना एच, इसको मैं इसके नीचे लगा देता हूँ क्योंकि दोनों कट के आपका वन हो जाएगा ये, और बचा हुआ क्या क्या था मेरे पास, बचा था मेरे पास कॉस एक्स प्लस एच और इंटू में कॉस एक्स, और क्या बच रहा था अंडर द रूट ऑफ टैन एक्स प्लस एच
और प्लस अंडर द रूट ऑफ टैन एक्स, ये बच रहा था, ठीक है था। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और ये पूरा कितना मिलके बन गया मृणाल, साइन एच अपॉन एच वन। किसने बोला वन? आपने बोला वन, मालूम है ना वन बनेगा ये, साइन एच अपॉन एच वन बनेगा और बाकी लिमिट डाल दो। तो मेरे पास जगह नहीं है तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं यहाँ पे कि ये आपका पार्ट बन गया वन। अब लिमिट डालता हूँ यदि मैं, तो लिमिट कहाँ कहाँ डालूंगा? लिमिट डालूंगा एक तो ये वाला है जीरो बन जाएगा, एक ये वाला जीरो बन जाएगा, तो ये वाला जीरो बचेगा तो ये खत्म। कितना cos x into cos x, ये into है ना, secant square x बन गया ना ऊपर जाके। अच्छा ऊपर जाके वन अपॉन cos है ना, वन अपॉन है ना ये। अच्छा लाना मेरे को secant square x, तो है एक बार देख जरा, secant square लाना है। और ये कितना बन गया मेरे पास, root tan x plus root tan x, कितना बन गया 2 root tan x। आ गया समझ में? अब किसी को पूछ लो यार, कोई तो बोल लो कि सर मेरे को नहीं आया समझ में। राघव सर आ गया, वो फिर ठीक है, आ गया समझ में? हां सर। अरे ऊपर आइडेंटिटी कौन सी लगाई है? हां साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कौन सी लगाई है, कौन सा मामला होता है? साइन ए माइनस बी का मामला है, साइन ए माइनस बी का मामला है। नहीं कॉट और टैन सेम रहेंगे, तो आप किसका करेंगे, सीकेंट का करेंगे, कॉट और टैन सेम रहेंगे, आप करेंगे सीकेंट वाले का करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ अगला कौन सा करें, रूट सीकेंट एक्स, रूट सीकेंट एक्स। कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट एक्स इनटू कॉट एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वैसे, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव। तो भाई कोसीकेंट एक्स का कितना होगा, कोसीकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स का नेगेटिव। खुद ट्राई करो ना एक बार, देखते निकलता है कि निकलता है। देख लो जा, जहां तक नहीं हुआ वो चल। क्यों नहीं हुआ भाई, एक मिनट आराम, कीप क्वाइट। माइनस जिसका नहीं हुआ यहाँ पे देख ले बेटा, सीकेंट एक्स और अपॉन में कितना आपके पास में एच है और लिमिट तो खैर चल रही है, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो। चलो फटाफट रैशनलाइज कर लेता हूँ, ये मैं इसको रैशनलाइज किया कि नहीं किया तेने, क्या नाम तेरा, भावेश। माइनस नहीं प्लस अंडर द रूट ऑफ सीकेंट एच डिवाइडेड बाय सीकेंट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस अंडर द या रैशनलाइज हो गया, ऊपर लग गया आइडेंटिटी ए प्लस बी माइनस बी, वो कितना बन गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिमिट लिखना, भगवान सब देख रहा ऊपर से आप लगेगा वरना, इनटू ये बन गया सीकेंट ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय ये यहाँ से लगा लो इधर, ये तो डिनोमिनेटर में कितना बन रहा है सीकेंट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस अंडर द रूट ऑफ सीकेंट एक्स और होल इनटू में ये टेंशन। अब मैं कॉस में चेंज कर रहा हूँ, सीकेंट को कॉस में करूँगा चेंज, तो कॉस में मगर एलसीएम पे ले लूँगा डायरेक्टली मैं, ये कितना बनेगा वन अपॉन कॉस एक्स प्लस एच। कॉस सी माइनस कॉस सी लगेगी, वो याद नहीं होगी आपको, याद है बोलना जरा। 2 cos c plus d minus 2 cos c, cos नहीं आता sin आता दोनों में, चौथी वाली आइडेंटिटी cos c minus cos d की। ये देख यहां पे एलसीएम लिया कितना निकला 1 upon cos, तो ये कितना बन जाएगा cos x minus में cos x plus h। ये आज मुझे स्टेप नहीं आया, आ गया सर, आ गया ना ये स्टेप समझ में। अब इसका जो डिनोमिनेटर वाला एलसीएम है वो मत भूल जाना, उसको भी लिखना होगा, ये कितना होगा cos x और into cos एक्स प्लस एच और बचा कुचा क्या था मेरे पास, बचा कुचा था अंडर द रूट ऑफ सीकेंट एक्स प्लस एच प्लस अंडर द रूट ऑफ सीकेंट एक्स और इनटू ये वन अपॉन एच टेंशन। अब लगेगा फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड, लक्ष्य फॉर्मूला ही आती थी कैसे करेगा भाई, कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होगा माइनस का टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू, तो ये हो गया सी प्लस d अपॉन टू, प्लस कर दिया मैंने, अब करके नहीं दिखाऊंगा। अब c माइनस करूंगा तो कितना होगा इनटू में साइन x माइनस एक्स माइनस एच और अपॉन में टू है ना, चल और होल अपॉन में कितना चल रहा है वो पूरी कहानी फिर से लिखनी पड़ेगी, दिस इज cos x इनटू में cos x प्लस, वो लिखने का आलस भी है ना, कुछ बच्चे सरेंडर बोल देते हैं सर नहीं हुआ हमसे, कौन लिखेगा ना इससे चमड़ा ही करूँगा भाई, लिख रहा हूँ मैं भी लिख रहा हूँ अपना लिखा खुद ही मिटाता हूँ। चलो ये cos x अंडर द रूट ऑफ सीकेंट एक्स प्लस एच और ये प्लस अंडर द रूट ऑफ सीकेंट एक्स और इनटू में एच,
ये इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? अब वो करने के सर और ये कितना निकलेगा? secant x into में tan x आएगा। चलो तो नीचे का जो है ना टू रूट ये वाला आपका लिमिट डालने पर फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा। ये कौन सा हो गया? ये तो आ गया मेरा नीचे का आ जाएगा रूट लिमिट डालने पर तो रूट secant x भाई ये जीरो हो गया तो secant रूट x तो आ गया। देख टू रूट secant x ये तो आ गया। अब क्या कहानी बच रही मेरे पास? ये वाला जो माइनस अंदर वाला है ये साइन खा जाएगा बाहर निकाल देगा तो इसको कर देता हूँ प्लस इसको बाहर। फिर समझ फिर तू कहाँ दिख रहा था? नहीं समझ गया। ये अंदर वाला माइनस है साइन बाहर निकाल के उसको प्लस कर देगा तो ये प्लस हो गया। ये साइन एच अपॉन टू आया तो क्या करूं उसको मैं दो से मल्टीप्लाई और यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दो से दो कैंसिल ये पूरा कितना निकल गया ये वाला पूरा पार्ट हो गया वन। इसको अलग कर देना वन बाकी मैं लिमिट डाल देता हूँ बाकी मैं लिमिट डाल देता हूँ तो ये कितना हो गया जीरो। लुक एट दिस ये वाला हो गया जीरो ये वाला हो गया जीरो और ये वाला हो गया जीरो ठीक है। ऊपर कितना बचा लिमिट डालने के बाद? ऊपर बच रहा है मेरे पास साइन एक्स अपॉन सेकेंट एक्स इनटू टेन एक्स अपॉन टू रूट। रुक जा रुक साइन एक्स है ऊपर और तो कुछ नहीं। नीचे कितना बच रहा है? नीचे बन रहा है कॉस एक्स इनटू में कॉस एक्स और इनटू में ये टू रूट सेकेंट एक्स। अब क्या करना है भाई? अब देखो ये दोनों कितना बन गया टैन और ये वन अपॉन कॉस कितना बन गया सेकेंट तो सेक एक्स टैन एक्स अपॉन टू रूट सेकेंट एक्स आ गया आंसर। अगली वैरायटी चेक हो जरा फटाफट। ये सेकेंड वैरायटी है। कल हमने सिंपल ट्रिगो वाले किए थे आज रूट में ट्रिगो किया। अब अगली वैरायटी लिखो नेक्स्ट वैरायटी। अब साइन पे रूट एक्स लगाओ साइन रूट एक्स साइन वाला कर नहीं नहीं अरे अब वैरायटी अगली है कौन सा फिर से? अच्छा देख फिर से एक बार समझाता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये कितना बन गया? ये तो बन गया अरे पर वो बता दो क्योंकि ये नीचे कॉस अब दिख रहा है क्या हो रहा भाई सर नीचे कॉस कहाँ से आ रहा मैं आपको ये जो एलसीएम है ना इसका अच्छा ठीक है ठीक है। अरे डायरेक्ट में तुम लोग ऊपर का लिखना सीख गए नीचे का भी लिख लिया करो। चलो देखो ये वाला पार्ट राघव ये वाला पार्ट हो गया वन। अब लिमिट डाल रहा हूं मैं ये रूट सीकेंट एक्स प्लस एच प्लस रूट सीकेंट एक्स प्लस एच इसमें मैंने इसको जीरो कर दिया तो ये दोनों ऐड होके कितना हो गया टू रूट सीकेंट एक्स। चल अब यहां पे ये हो गया एच जीरो तो ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स मैंने इसको एज इट इज लिखा है cos x into cos x लिखा है कुछ चेंज नहीं किया है ये आपका एज इट इज लिखा है मैंने cos x और into में cos x इसको मैंने स्क्वायर नहीं लिखा जैसे यहां मैंने जोड़ दिया था ना इसको मैंने स्क्वायर मल्टीप्लाई करके शायद किसी ने स्क्वायर लिख लिया होगा इसलिए गलती आ रही है किसी ने कर लिया होगा cos x into cos x cos था कोई ना कोई तो मिल ही जाता वो मालूम है ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया होगा नहीं करना मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना ठीक है। अब ऊपर क्या बचा मेरे पास साइन एक्स ये तो जीरो हो गया ये टू पॉइंट टू ये बचा साइन एक्स बचा तो यहाँ तक ठीक है राघव तो ये साइन अपॉन कॉस कितना बन गया और वन अपॉन कॉस कितना बन गया तो यही तो लगा था अपना आंसर सेक एक्स टैन एक्स अपॉन टू रूट सेकेंड एक्स आ गया। चलो अगला वैरायटी लिखो लिख लेना टाइप थ्री। अब इसके भी तीन क्वेश्चन करेंगे एक करेंगे साइन रूट एक्स एक करेंगे टैन रूट एक्स और एक करेंगे सीकेंट रूट एक्स। चलो टाइप थ्री। अब यहां पर देखो हर टाइप की अलग वैरायटी है अलग जुगाड़ है। रूट जब पूरे पे हो तो रैशनलाइज करना आप पहले समझ लो ये वाला अगली वैरायटी हम जो करने वाले हैं। अच्छा पहले तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। पहले इसका आंसर cos sin root x का डेरिवेटिव कितना होगा cos root x और चेन रूल से 1 upon 2 root x। भाई यहां पहले sin का होगा पहले root का होगा पहले sin का होगा sin root x का डेरिवेटिव cos root x और फिर into चेन रूल से root x का डेरिवेटिव 1 upon 2 root x ये आंसर है।
आंसर है, अब निकाल लेते हैं इसे हम लोग, तो निकालते हैं भाई सब आराम आराम से बिल्कुल। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, ये लिखा है। दो लिमिट हो सकती है, नहीं हो सकती है। चलो अपॉन में एच, अब क्या यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लग रहा है क्या? लग रहा है, लगा दो भाई, इसको सी पकड़ा और इसको डी पकड़ा, अब साइन सी माइनस साइन डी, आराम बोल। वो तो मैंने बोला, सेकंड आंसर बोल, सेकंड वाला टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इनटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू कॉस सी प्लस डी अपॉन, पहले कॉस आता है तो नंबर याद कर लिए, कौन सा पहला कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, पहले वाले में साइन कॉस, दूसरे वाले में कॉस साइन, तीसरे वाले में फिर साइन साइन। हां ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना बिल्कुल एक्सीलेंट मास्टर बन जाओगे ट्रिकों के, और ट्रिकों में मास्टरी आ गई तो फिर तो मैथ्स में देखना बच्चे एक्सेल ही कर रहा था बिल्कुल, जिसकी ट्रिकों में मास्टरी आ गई वो। चलो भाई साइन सी माइनस साइन डी लगाओ भैया, रूट होल पे है क्या? फिर मेरे को इसको सी मान दिया, इसको मैंने डी मान लिया, अब वो आपस में मेल मिलाऊंगा, ये सी और डी हो गया ना, ये सी और डी, ठीक है। चलो तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो कितना होता है, टू आएगा पहले, दिस इज टू कॉस कॉस रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स होल अपॉन में टू, और इनटू बाद में साइन आएगा, एक्स प्लस एच माइनस का रूट एक्स और डिवाइडेड बाय टू एंड होल अपॉन में एच। चलो थोड़ा इधर स्पेस मेरे को इधर रखना पड़ेगा, चलेगा। ये जो हमारे पास वैरायटी है, इस वैरायटी में थर्ड वाली वैरायटी में जो अच्छा एक हर वैरायटी की एक चीज ट्रिक लगानी है, वो ट्रिक आपने सीख ली तो इसके सारे जो टैन रूट एक्स है या कॉस रूट एक्स है या सीकेंट रूट एक्स सब में सेम आएगा। रूट वाले में रैशनलाइज, इस वाले में जब नहीं टू से मल्टीप्लाई डिवाइड तो खैर वो बात की बात है, पहले तो हमें देखना है कि जब मेरे पास में ये वाला वैरायटी आ जाए तो आप एच को क्या लिख सकते हैं, एच की वैल्यू बता रहा हूं मैं, एच की वैल्यू एक्स प्लस एच माइनस एक्स एंड एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ये लिख सकते हैं। अच्छा कैसे, अब ये सपोज ये a प्लस बी ए माइनस बी है तो इसको सॉल्व किया तो x प्लस एच माइनस एक्स, हाँ तो h ही है ना, सॉल्व करिए h ही है, तो ये याद रख लो भैया कौन से वाले में जब रूट x पर हो तो उसमें क्या करना है, जो नीचे वाला टेंशन है उसको किससे रिप्लेस करना, हमेशा ये तीनों चारों में कराऊंगा याद करना है। अच्छा ये बुकलेट में वॉल्यूम टू में है ना शायद, ये मैंने हर ये छह सात वेरायटी है, हर वैरायटी के अंदर क्या करना है वो मैंने लिखा हुआ है, इसमें क्या कर सकती है एच के अंदर बता रहा हूं दिखाना, बुकलेट में हर वैरायटी में मैंने लिखा हुआ है कि कौन सी जगह पे क्या करना है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पेज नंबर 37 निकालने है सर, नहीं नहीं मत निकालो, मैं बता देता हूँ आप लोग बाद में कभी रिवाइज करने के टाइम चाहो ना तो आप लोग देख सकते हो। हाँ जैसे ये है पेज नंबर 38 पे लिखा हुआ है इसमें अलग अलग वैरायटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसमें लिखा है फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन एक्स इनटू कॉस एक्स यू सी एंड डी फॉर्मूला एंड ए माइनस बी फॉर्मूला, फिर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रैशनलाइज, फिर लिखा है साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स वाले में यू सी एंड डी फॉर्मूला एंड एच इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ डाल रखी मैंने, ये जो है ना ये वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, इस टाइप में आपको यही काम करना है। आगे तीन वेरायटी और है, तो हर जगह हर वेरायटी में छह वैरायटी में किस किस जगह पे आपको क्या करना है वो नोट्स बना के इसमें आंसर्स में मैंने दे रखा है, तो रिवीजन में ध्यान रखना, पहले देख लेना कि कौन सी वैरायटी में क्या, अब तेरे को सारे क्या प्रॉब्लम है देख ले, ये a प्लस बी a माइनस बी है कि नहीं है, हाँ है, इसको सॉल्व करके आएगा कि नहीं आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा ना, रूट कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया x प्लस x माइनस x, तो कट गया ना x x, तो h आया कि नहीं आया, मतलब h की एक और वैल्यू मैं ये यूज कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, तो कर रहा हूँ इस एच के बदले कितना लिख दूं मैं,
किसकी वैल्यू जो मैंने आपको निकाल के बताई, कितनी बताई निकाल के मैंने? अच्छा नेगेटिव को यहाँ रखना, अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, एक मिनट हार गया, और यहां पर मैं लिखूंगा अंडर द रूट ऑफ एच प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच। ये समझ में आया स्टेप? एच के बदले मैंने उसकी जगह ये लिख दिया, ये भी एच ही है, सॉल्व करके एच ही आएगा भाई। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है प्रियांशी प्रत्युष? हाँ चलो, अब यदि ये स्टेप क्लियर है, साइन कुछ भी अपॉन कुछ भी इज इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बता रहा हूँ, कुछ भी अपॉन कुछ। अच्छा तो यार कुछ भी तो रूट साइन एक्स प्लस एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन टू है, हाँ अभी इसकी सेटिंग कोई हुई नहीं है, अभी दो से मल्टीप्लाई भी करना है दो से डिवाइड भी करना है, ये दो यहाँ लगा दिया और एक दो यहाँ पे लगा दिया, अब ये पूरा बन गया वन, इसको अलग कर देंगे, अब टेंशन खत्म, दो काट देंगे, दो को दो से काट देंगे, अब लिमिट डाल दो, टेंशन खत्म ना, अब लिमिट डाल दो, तो लिमिट डाल देते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, हाँ क्योंकि एक बार निपट गया ना आपका, ये कितना हो गया कॉस, नहीं टैन वाला बड़ा होता है, साइन का छोटा ही होता है हमेशा, टैन में क्योंकि एलसीएम लेना पड़ जाएगा, ये लिमिट डालो भाई, ये वाला हो गया जीरो, तो कितना निकला रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो समझ लो फिर से एक बार, रूट एक्स बचेगा ये सिर्फ, एच जीरो हो गया, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स टू रूट एक्स अपॉन टू भी है ना, और होल अपॉन यहाँ कितना बच रहा है ये एच जीरो, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स ये निकल गया टू रूट एक्स, तो टू से टू कैंसिल, तो आंसर कितना निकला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स, यही आया था आंसर, तो हो गया भुवन समझ में आ रहा तेरे को नहीं आ रहा? हाँ चलो भाई, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अगला क्वेश्चन अंडर द रूट ऑफ, सॉरी रूट पहले नहीं आया, रूट बाद में आएगा, टैन रूट एक्स, और इसका आंसर निकाल लें एक बार, बोला कितना होगा मेरा आंसर, हाँ अपॉन टू रूट एक्स, चलो सीक्वेंस स्क्वायर रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स, डालो वैल्यू, थोड़ा साइड से मैं लेके चल रहा हूँ, क्या पता लंबा आ जाए क्वेश्चन, याद मुझे है नहीं, टैन अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में टैन अंडर द रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच और लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, चलो पहला काम साइन कॉस में चेंज करेंगे, यहाँ रेशनलाइज नहीं करना है, यहाँ साइन कॉस में चेंज करना है, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, खुद ट्राई करोगे मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ हो जाएगा भवेश, कोई गारंटी नहीं, जुगाड़ बैठ गया तो करो चलो साइन कॉस में मैं डायरेक्ट एलसीएम वाला स्टेप यहाँ पे वो कर रहा हूँ, साइन अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस एच इनटू कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स और माइनस माइनस साइन अंडर द रूट ऑफ एक्स इनटू कॉस अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस एच, अरम तूने क्या किया, अच्छा तेरा देख लिया मैंने फॉर्मूला, तो ये वाला यही वाला तो है साइन ए कॉस बी का, साइन ए माइनस बी का डिनोमिनेटर में कितना आएगा कॉस अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस एच और इनटू कॉस रूट एक्स और इनटू एच, ये फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास cos root x, अच्छा cos root x है,
कॉस में आपका ये निकला रूट एक्स और इंटू कितना एच। अच्छा एच के बदले अपना फिक्स ही रखना है तो एच के बदले आप क्या लिखते हो यहाँ पे एक्स प्लस एच का रूट माइनस रूट एक्स और इंटू अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस का अंडर रूट ऑफ एक्स। चलो आगे लिमिट है सार्थक रिकॉर्डिंग हो रही है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी तो ये बनेगा साइन ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस एच और माइनस का रूट एक्स और मैं इसके नीचे क्या रख दूँ ये रख देता हूँ ये वाला पार्ट है ना ये देखो मैच कर रहा है तो इसके नीचे मैं रख देता हूँ इसको अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स बच क्या गया मेरे पास एक तो ये दोनों बच गए और एक ये बच रहा है तो उसको अलग कर देते हैं दिस इज कॉस अंडर द रूट ऑफ जो एलसीएम वाला पार्ट था और इन टू में कॉस रूट एक्स और ये प्लस में कितना निकला मेरे पास अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स। अब ये दोनों मिलकर वन हो गया यहाँ दो से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है क्या हो गया कंफ्यूज हो रहा है। अरे मैंने ये दो साथ में था ना ये माइनस और प्लस वाले इनको अलग अलग कर दिया एलसीएम वाला आया ये तो एलसीएम वाला था हाँ जो इसके अपॉन में आया था साइन अपॉन कॉस वाला भाई ठीक है और ये माइनस वाला ये प्लस वाला माइनस वो दोनों आ गए कौन लो ये एच की वैल्यू हो गया एच की वैल्यू और ये एच की वैल्यू है मैंने वही एडजस्ट कर दी ये बोल गया ये हर में करना पड़ेगा एच की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी हर किसी का हुआ कि नहीं हुआ हो गया चलो तो हो गया तो मैं यहाँ पे कहाँ डालना लिमिट ये हो गया वन ना ये तो हो गया वन बाकी लिमिट डालो तो लिमिट डाल के अच्छा लिमिट अच्छा अब लिमिट लिखना नहीं है ना तो डालनी ये कितना हो गया cos x into cos x cos square root x और ये कितना बन गया वन अपॉन टू रूट एक्स दैट इज इक्वल टू secant square root x अपॉन टू रूट एक्स। चलो लीव करो बाकी इसकी थर्ड वैरायटी खुद से कर लेना होमवर्क भेज देना सब लोग और अगली क्लास में अगली वैरायटी स्टार्ट करेंगे ठीक है चलो लीव करो जिनका हो गया लीव करो।